आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भीमताल में बाघ का आतंक, अब तक 3 लोगों को बाघ बना चुका निवाला। क्षेत्रवासियों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश, खुटानी मार्ग पर लगाया जाम। उत्तराखंड के भीमताल में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती शाम भीमताल में फिर बाघ ने हमला किया और खेत में चारा काट रही 18 साल की बेटी निकिता शर्मा को मार डाला। युवती की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों में वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। आज घटना से गुस्साए लोगों ने खुटानी भीमताल नैनीताल मोटर मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने मृतका का शव सड़क पर रखकर जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी महिलाओं और स्थानीय लोगों ने बाघ को तुरंत मारने और संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि भीमताल क्षेत्र में बाघ का आतंक किस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुजरे कुछ दिनों में ही बाघ ने यहां 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बीते दिनों अपने घर के पास खेत में काम करते समय 38 वर्षीय पुष्पा देवी को बाघ ने निवाला बना लिया। इसी तरह मलवाताल निवासी इंदिरा देवी को भी बाघ ने अपना शिकार बनाया। अब एक 18 वर्षीय युवती बाघ के हमले में मारी गई है। लोगों का गुस्सा वन विभाग के खिलाफ है, मगर वन विभाग इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। यहाँ पिंजरे भी लगाए गए हैं, यहाँ तक कि NDRF की भी मदद ली जा रही है, मगर अब तक आदमखोर बाघ को काबू नहीं किया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।